गाड़ी पूरी कंडम थी, मतलब कहने का मतलब पूरी जाम कंडीशन पड़ी थी 5-8 साल से एक जगह। ओल्ड लुक ऐसे कुछ बना के दो जो हमारे को नई का मज़ा ओल्ड ना आए, उस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक भी कर दी अपनों ने। तो उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल देख के और यहाँ पर आए थे, और इसके पहले भी डक्की 3-4 गाड़ी बना चुका हूँ मैं। वो जो बुलेट से डरते हैं चलाने में, क्या यार ओल्ड गाड़ी पिकअप रिटर्न वगैरह मारती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप। अलग से अपन सेल करवाना चाहें तो हो जाएगी? हो जाएगी, सेल हो जाएगी, 40,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उसका। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो फिर से आज मैं हूँ आप सभी के लिए, एक लंबे टाइम के बाद, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों में से बहुत लोगों का कमेंट आया, बहुत लोगों का प्यार मुझे मिला, और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यार भाई वीडियो क्यों नहीं बना रहे, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, खासकर सलीम भाई के बुलेट मॉडिफाइड वाली वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो आप लोगों के लिए मैं आज फिर से आया हूँ उज्जैन शहर में, और सलीम भाई की वीडियो बनाने ही आया खास। तो वीडियो ना बनाने का जो कारण था, मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम पे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, उसमें बताया था कि क्यों मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा है, आपको नहीं पता है, तो जल्दी से पहले फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी मैं बहुत सारी जानकारी देता रहता हूँ आपको। वो ये है कि मेरे पापा की तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में चल रहे हैं वो, तो उन्हीं के इलाज के लिए हमको इधर उधर आने जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी, और मेरा दिमाग जो है मतलब किसी भी चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहा है कि मैं क्या करूं अभी, क्या ना करूं। मेरे घर में मेरे पापा ही अभी जो कमाने वाले थे, घर चलाने वाले थे, वही थे। हम लोग इनकम इतनी अच्छी नहीं कि हम लोग अभी पूरी तरीके से घर चला पाएँ। वही कमाने वाले थे, वही घर में घर चलाने वाले थे, और वही बीमार पड़ गए, और उन्हीं के इलाज में जो है बहुत सारा पैसा भी लग रहा है, जिसकी वजह से जो पूरा घर का जो हिसाब किताब है, जो पूरा मैनेजमेंट है, वो पूरा बिगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा तरीके से। तो उसी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में मेरे पापा का इलाज कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो इसी वजह से जो है हमारा जो वीडियो है वो आ नहीं पा रहा है आप लोगों के साथ में। तो मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से मुझे मिलता रहेगा, तो बहुत जल्दी हम इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और सब कुछ ठीक होगा, मेरे पापा भी ठीक होंगे, और जो है मेरा घर का जो मैनेजमेंट है वो सब फिर से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, और फिर से हम लोग YouTube को कंटिन्यू कर पाएंगे और YouTube को सही से ढंग से चला पाएंगे। तो फिलहाल मैं आप लोगों से बस माफ़ी मांग सकता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए पूरी तरीके से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और जो है डेली मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि हफ्ते में नहीं तो महीने में कम से कम 3 या 2 बार जो है आपके लिए वीडियो लाऊँ मैं, और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊँ मैं। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, तो बहुत जल्दी मैं इस सिचुएशन से बाहर आ जाऊँगा और सब कुछ ठीक होगा। और अभी मेरी YouTube से इतनी अच्छी इनकम भी नहीं हो पाई है कि मैं जो है सब कुछ मैनेज कर पाऊँ, तो मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट रहेंगे तो मेरी जो YouTube की जो इनकम है उसमें भी सुधार होगा, और जो है मेरी लाइफ में भी उस चीज़ का सुधार होगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि जो मेरे घर की परेशानी है, मेरे घर की जो सिचुएशन है वो फिर से सुधर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। है फिर से उज्जैन शहर में सलीम भाई के बुलेट मॉडिफाइड वाले सलीम भाई के शो है ऑटो गैरेज पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बुलेट मॉडिफाइड, जो कि शानदार आपको बुलेट मॉडिफाइड देखने को मिलती है। बुलेट के स्पेशलिस्ट से एक खाली, और इसके बाद में अगर आप यहाँ पे राजदूत मॉडिफाइड कराने जाते हैं, जावा मॉडिफाइड कराने जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है मॉडिफाइड वगैरह हो जाती है, और काम आप देख सकते हैं इतना सारा जो काम वगैरह है यहाँ पे चलता रहता है, बुलेट मॉडिफाइड होती रहती है, और इतनी सारी बुलेट यहाँ पे मॉडिफाइड होने के लिए आती रहती है। तो ये देख सकते हैं आप, काम तो यहाँ पे बहुत खतरनाक चलता रहता है बुलेट का, और डीजल बुलेट है मॉडिफाइड होने के लिए आई है, वही जो आपने देखी थी 5 गियर स्पीड के साथ में, तो यहाँ पे बुलेट है जो मॉडिफाइड होने के लिए आई भी है, और यहाँ पे मॉडिफाइड होती रहती है। मैं फिलहाल रोड पे खड़ा हूँ, तो रोड पे बहुत सारी आवाज़ आती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको आवाज़ की क्लैरिटी में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत हॉर्न वगैरह की आवाज़ आएगी और गाड़ियाँ जो चलती हैं उनकी आवाज़ आएगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी साफ़ आवाज़ करके आपको जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। और सलीम भाई हमारे साथ में है, सलीम भाई आप देख सकते हैं कि वहाँ पे खड़े हैं, सलीम भाई से आपकी सारी बात कराएंगे और आज बताए जाएंगे बुलेट के बारे में, क्या जो आज की बुलेट में खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलाते हैं आपको सलीम भाई से। तो सलीम भाई, ये जो बुलेट है और ये क्या मॉडल थी, और किसको किस तरीके से मॉडिफाइड करा, और ये किसके मतलब किसने बनवाई है? ये बुलेट 84 का मॉडल है, और ये यहाँ से डग कम से कम 150 किलोमीटर पड़ता है दूर, वहाँ के डाक साहब की, हकीम साहब की गाड़ी, और ये पूरी जाम कंडीशन में गाड़ी अपने खाना आई थी, और पहले का फोटो है जो उस गाड़ी का, उस कंडीशन की फ़ोटो हम YouTube पे आपको वीडियो में बताएंगे। ये गाड़ी पूरी कंडम थी, मतलब कहने का मतलब पूरी जाम कंडीशन में पड़ी थी 5-8 साल से एक जगह।
और जहाँ बनने के लिए थी वहाँ भी साल भर पड़ी रही है। उसके बाद फिर वहाँ से उठ के अपनी आई, उसके बाद में अपनों ने उसमें डिस्क ब्रेक, अलाई व्हील, दो टायर वगैरह पूरी स्टैंडर्ड लुक में बनाई है ये, जो अभी कंपनी से स्टैंडर्ड मॉडल आ रहा है उस लुक में अपनों ने गाड़ी को कम्प्लीट करी है। और आप देख ही सकते हैं इसमें प्रोजेक्टर वगैरह लगाया अपनों ने रॉयल वाला, और पूरा स्टैंडर्ड का अपनों ने लुक दिया है उसमें। और ये लुक देने में इसमें साका वगैरह सब अपनों ने अगले पिछले सस्पेंसर वगैरह सब चेंज करे हैं, जो अभी क्लासिक के अंदर आ रहा है। और इस वजह से अपनों ने उन्होंने बोला था भाई हमारी गाड़ी नई ले रहे हैं पर नई का साउंड नहीं जम रहा है, तो ओल्ड को ऐसे कुछ बना के दो जो हमारे को नई का मज़ा ओल्ड में आए। उस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक भी कर दी अपनों ने, ये देख सकते हैं आप, ये दो कॉइल डाल के इलेक्ट्रॉनिक करी है इसको। इसका स्टार्टिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हैं आप, इसको स्टार्टिंग अपनों ने कर दी है, इलेक्ट्रॉनिक कर दी है गाड़ी को। और इलेक्ट्रॉनिक करने के बाद स्टार्टिंग, हाँ कोई पाइंट वगैरह वाली नहीं, पाइंट वगैरह है नहीं इसमें, आप देख सकते हैं, मैं बता दूँ तो खोल के आपको। इसमें पाइंट सिस्टम इसमें अपनों ने पाइंट वाली नहीं की, ओनली इलेक्ट्रॉनिक रखी, सिंगल सिस्टम रखा है इसमें। जैसे बाकी गाड़ियों में आपने मेरे यहाँ की देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक भी रहती है, दो पलक भी रहती है, पाइंट भी रहती है, पर ये ग्राहक ने उन्होंने बोला हमारे भाई ने हकीम साहब ने कि हमारे को एक ही चाहिए, और डके जाने माने हकीम है और इंदौर भी इलाज करने जाते हैं और उज्जैन भी आते हैं, तो उन्होंने यूट्यूब पर अपना चैनल देख के और यहाँ पर आए थे। और इसके पहले भी डके 3-4 गाड़ी बना चुका हूँ मैं, और गाड़ी आप देख सकते हैं स्टार्टिंग वगैरह इसका। नॉर्मल स्टार्ट है, साउंड भी देख सकते हैं आप, वो जो बुलेट से डरते हैं चलाने में, क्या यार ओल्ड गाड़ी पिकअप रिटर्न वगैरह मारती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप। देखो नॉर्मल स्टार्टिंग है बुलेट का, आपको लगा कि आपने बाइक की किक लगाई है, इतना स्मूथ इंजन है, क्योंकि पार्ट्स अधिकतर अपन सब गाड़ियों में ओरिजिनली डालते हैं, जो गाड़ियाँ बनती है अपने यहाँ और जो रिपेयरिंग के लिए भी आती हैं। आप इसका स्टार्टिंग देख सकते हैं, अभी गाड़ी मात्र 18 किलोमीटर चली है, और इंजन देखो इसका बिल्कुल स्मूथ, और बाकी गाड़ी देखिए बेटा कैमरा घुमा देता है चारों तरफ गाड़ी पे। और बाकी और वीडियो हम अभी बना के देते हैं, काफ़ी दिन बाद आए भाई। चलिए भाई 84 मॉडल है ना ये गाड़ी, 84 मतलब इसमें क्या क्या काम करा है, इंजन में कुछ काम करा है कि मतलब इंजन में कुछ भी नहीं करा? पूरा ही जनरल काम करा भाई इसमें, इंजन से लेके आप पूरी, मतलब ये तो गाड़ी ऐसी थी कि सड़ गई थी आधे सौ पर, पूरी गाड़ी का ही अपनों ने रिस्टोर करी है इसको, पूरी गाड़ी रिस्टोर करी है। और इसमें लगभग सारा सामान ही नया अधिकतर, इसमें सिर्फ चेंजेस और इंजन ही पुराना दिखेगा आप, मतलब पूरा इंजन का रिस्टोरेशन। हाँ इंजन रिस्टोर प्लस कलर पूरा कंप्लीट, टंकी नहीं डाली क्लासिक की, इसमें मरघाट नए डाले हैं। उसके बाद में जो भी सामान ऊपर की काम है, अगले साखा फ्रंट हैंडल वगैरह क्लासिक का पूरा लगाया, देख सकते हैं स्विच वगैरह सब नए डाले हैं अपने, पूरा कंप्लीट नहीं करी थी। कितना क्या खर्चा आया था इसमें, अगर इसमें भाई पूरा रजिस्टर करा इंजन से लेकर सब चीज़, इसमें 90 से 95 हज़ार रुपये करीब खर्चा आ गया, मतलब पूरा रजिस्टर करा रहे हैं। ये कि मतलब आपको पूरा इंजन अगर लेके चलेंगे, पूरा इंजन के जो पिस्टन वगैरह है, जो ब्लॉक वगैरह है, तो सारी चीज़ें आप रजिस्टर करवाएंगे तो आपको 90 से 95 हज़ार का खर्चा आ जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली ऊपर से मॉडिफिकेशन करवाएंगे तो उसमें आपको सस्ता पड़ेगा। चलिए भाई ऊपर से अगर अपन खाली जैसे आप कराओगे रजिस्टर तो 50 से 60 हज़ार रुपये, 50 से 60 हज़ार, और अलाई वगैरह डलाओगे, डिस्क ब्रेक लगाओगे तो समझ लो कि 75 हज़ार रुपये करीब। अच्छा ये गाड़ी सेल्फ शुरू से ही की सेल्फ करी आपने? नहीं नहीं सेल्फ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक करी है भाई से। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ नहीं गाड़ी, सेल्फ इसमें नहीं, ओल्ड में सेल्फ वाली बना रहा है हम अभी, उसकी वीडियो बहुत जल्दी डालेंगे आप। अगर इसको अगर अलग से अपन सेल्फ करवाना चाहें तो हो जाएगी? हो जाएगी सेल्फ, हो जाएगी 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उसका अलग से। किसी भी ओल्ड बुलेट में अगर अपन ओल्ड ले आओ, 62 ले आओ आप, 70 ले आओ, 75 ले आओ,
97 लिया हो या अभी तो अभी तक के लिया हो, उसमें 40,000 रुपये खर्चा आएगा आपको। ओल्ड बुलेट में अगर किसी भी में आप सेल्फ लगवाना चाहते हैं तो सलीम भाई ने बताया कि नॉर्मल आपका 40,000 रुपये खर्चा आ जाएगा, बैठ जाएगा उसमें। तो अगर आप ओल्ड बुलेट के शौकीन हैं और अगर आप अपनी बुलेट को फिर से रीस्टोर कराना चाहते हैं या फिर नया लुक देना चाहते हैं तो आप सलीम भाई के पास में उज्जैन शहर में आ सकते हैं। काफ़ी शानदार इनका काम है और आपको काम देख के मज़ा भी आएगा और आपकी जो गाड़ी वापस रीस्टोर होगी जब पूरी तरीके से नई हो जाएगी तो आपको जो है अंदर जो सेटिस्फाइंग है, जो खुशी है, वो आपको दुगनी तिगनी हो जाएगी। क्योंकि जब अपनी खुद की गाड़ी रहती है और अपने उसको लंबे टाइम से संभाल के रखते हैं तो अपना मन ये होता है कि उस गाड़ी को यार फिर से बना के रखें और वापस से उसको पूरी सही करा के फिर से उसको चलाएं। और अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार वगैरह करते हैं और आप अपनी गाड़ी को फिर से नया देखना चाहते हैं तो आप सलीम भाई के पास में आ सकते हैं और इस तरीके के बुलेट का काम आप देख सकते हैं कि 84 मॉडल को इन्होंने फिर से बिल्कुल नया कर दिया, रजिस्टर कर दिया और अपनी गाड़ी में फिर से मतलब फिर से पूरी तरीके से जान डाल दी। तो इस तरीके का काम है सलीम भाई का। आप भी अगर अपनी बुलेट मॉडिफाइड करना चाहते हैं और अपनी बुलेट में न्यू मतलब पुरानी बुलेट में नया जान डालना चाहते हैं तो आप सलीम भाई के पास में आ सकते हैं। एक गाड़ी और इसमें की उसकी भी वीडियो हम बना रहे हैं अभी। और रही बात बुलेट में, आप जो चाहोगे उसके लिए हम मना नहीं करेंगे, जो भी बोलोगे उसके लिए हम तैयार हैं, जैसा बोलोगे ऐसा काम करने को देने को तैयार हैं, ओनली बुलेट के लिए आप। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई सबको। और ये देखिए डीजल बुलेट तैयार होने जा रही है 5 स्पीड गियर के साथ में, जिस जो वीडियो वायरल हुआ था सलीम भाई का, सलीम भाई द्वारा जो मॉडिफाइड करी गई थी डीजल बुलेट, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप जाके आई बटन में चेक कर सकते हैं। डीजल बुलेट को मॉडिफाइड करा था 5 गियर स्पीड के साथ में, वो भी कैसी आजकल के जो पूरी क्लासिक जो मतलब क्लासिक टाइप जो गाड़ी आ रही है इसमें ब्रेक राइट साइड में और गियर लेफ्ट साइड में, सेम वैसी की वैसी जो है बुलेट मॉडिफाइड करी थी सलीम भाई ने और सेम वैसी की वैसी ये भी मॉडिफाइड होने वाली है 5 गियर स्पीड के साथ में। तो ये भी आपको जब ये गाड़ी कंप्लीट होगी तो इसका वीडियो दिखाएंगे, मज़ा आएगा आपको ये गाड़ी का वीडियो देखने में भी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लीजिए, क्योंकि बुलेट के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो आती है और अगर आप बुलेट के शौकीन हैं, बुलेट लवर हैं और तो आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी और जो सलीम भाई का काम है वो भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये गाड़ी डीजल बुलेट जब आप बन के तैयार होगी तो इसका वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, भाई को सपोर्ट करिए, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो बुलेट की वीडियो और बहुत सारी चीज़ की बाइक मोटिवेशन की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और आपको इस तरीके से नॉलेज और इंटरटेनमेंट करता रहूं। रॉयल इनफील्ड बुलेट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सामान चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं उज्जैन शहर में ताज ऑटो पार्ट्स पे, या कि जो ऑनर है वो आपको देखने को मिलेंगे शोएब भाई, क्योंकि सलीम भाई के जो है साहबजादे हैं, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और यही आपको जो है इस ऑटो पार्ट से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो आपको ये फट से जो है आपको बता देंगे। तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल हम शोएब भाई से बात करते हैं। शोएब भाई क्या हाल चाल है, कैसे क्या बढ़िया है सर? सब बढ़िया है, आप कैसे हो? तो नमस्ते, मेरे पास सब तरह के बुलेट का एसेसरीज मिल जाएगी, टोटल हेडलाइट वगैरह, टैंक की सीट कवर वगैरह एसेसरीज टोटल मिल जाएगा, इंडिकेटर एलईडी इस तक पार्ट टोटल मिल जाएगा, पार्ट अलाइट मिल जाएगी। मतलब बुलेट से रिलेटेड आपको जो भी कुछ चाहिए, ओल्ड बुलेट, न्यू बुलेट और जो अभी जिस तरीके की बुलेट चल रही है ओल्ड का भी टोटल एसेसरीज मिल जाएगी। उस टाइप का आपको सामान चाहिए तो आप वैसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेंच सीट कवर वगैरह, हेडलाइट एलईडी हेडलाइट, हॉर्न वगैरह, टैंक की मिल जाएगी, सब तरह की सब चीज़ मिल जाएगी, बुलेट का टोटल मिल जाएगा।